कानपुर में रोड शो करने पहुंची स्मृति ईरानी, भीड़ नहीं आने से हुई नाराज। भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के लिए करने पहुंची थी प्रचार, नाराज होकर गाड़ी से उतरी स्मृति ईरानी। एबीपी गंगा के सौजन्य से इस न्यूज के बाद हम देखते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। ये देखिए, स्मृति ईरानी जी एक रथ पे सवार होकर आ रही हैं और सामने इतनी ही भीड़ है जो कि उनके कद के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि वो एक कद्दावर नेता हैं तो, और 2014 से अभी तक केंद्र में मंत्री हैं और राहुल गांधी को अमेठी से उन्होंने हराया है। जब उनको इतनी कम भीड़ दिखाई दी तो खबरों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जल्दी निकलने की कोशिश करी, विधायक से भी कहा, बार बार अपनी घड़ी देखी और 5 मिनट के अंदर बताया जाता है कि इस विधानसभा जो कि कानपुर छावनी विधानसभा है वहाँ से निकल गई। इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि लोग उनकी गाड़ी पर बिल्कुल करीब पहुँच पा रहे हैं। ये तभी संभव है कि जब भीड़ ना हो और उनसे बात करने या उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कारण रहा कि वो केवल 5 मिनट के आसपास रुकी छावनी विधानसभा में, जहां से रघुनंदन सिंह भदौरिया चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं भाजपा की ओर से, और उनके सामने हैं सोहेल अख्तर अंसारी। इन्हीं दोनों के बीच में 2017 में भी मुकाबला हुआ था जिसमें सोहेल अख्तर अंसारी ने 9000 से कुछ अधिक वोट से रघुनंदन सिंह भदौरिया को हरा दिया था। तो स्मृति ईरानी अपने चुनाव प्रचार के लिए जो पहुंची थी कानपुर कैंट या कानपुर छावनी, उन्होंने तड़ाक पड़ाक में जल्दी से ख़त्म करके वहां से निकलना ठीक समझा और वो निकल गई। हालांकि उन्होंने अन्य कार्यक्रमों में कानपुर में शिरकत करी जिसमें कि कई लोगों के भाजपा में शामिल होना और उसके पश्चात कार्यक्रमों के पश्चात वो मणिपुर चली गई।